हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 27 दिसंबर के करंट अफेयर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। तो शुरू करते हैं और पहले बिहार सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट, उसके कुछ क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर आपको आंसर बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसको ऐसे लिखते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर या कला? एक जब हमारी आज़ादी की जंग चल रही थी तब एक अखबार है जो समाचार पत्र, जिसका नाम है रश्त गोफ्तार नाम का जो अखबार है, ये किस धर्म के सुधारों से रिलेटेड था, यानी किस धर्म के अंदर आंतरिक सुधार के लिए लॉन्च किया गया था ये समाचार पत्र, और किसने किया था ये भी बता सकते हो आप चाहो तो। ब्रिटेन जो है उन्होंने एक सिक्का जारी करा है ब्लैक होल में रिसर्च के लिए, इस वैज्ञानिक के योगदान को समर्पित करने के लिए। ये कौन वैज्ञानिक हैं जिनके सम्मान में एक ब्लैक होल कॉइन जारी किया है ब्रिटेन ने? मारायूर को मिला है भौगोलिक संकेतक। मारायूर जो है ये क्या है, मारायूर क्या चीज है? विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे ये किस दिन मनाया जाता है हर साल? इनमें से ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह दो चरण में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है यानी मारक क्षमता। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है यानी सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर सकती है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है यानी फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के आधार पर चलती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में? इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष। 66वां मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? ठीक है, सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता किसने जीती? चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र से संबंधित था और एक मील का पत्थर साबित हुआ? इसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। उसके बाद समुद्र मैत्री ऑपरेशन भारत ने किसके लिए किया था? ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया था किसके लिए, कौन से कंट्री के लिए? उसके बाद खमसिन नाम की हवा कौन से देश में चलती है? खमसिन, वैसे तो यह हवा कई देशों में चलती है लेकिन इस देश में इसको खमसिन बुलाते हैं। यह किताब किसने लिखी, हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? इनमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है, पुलिस सुधार, बंगाल का विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार या सती प्रथा पर रोक? लॉर्ड कर्जन ने किसमें योगदान नहीं दिया? राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने? उसके बाद इनमें से कौन सा समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है, कौन सा विकल्प? समरूपी अंग वो होते हैं जो दिखते तो एक जैसे नहीं है पर काम एक ही करते हैं, तो उनमें से कौन सा इसका उदाहरण नहीं है? 2020 के ओलंपिक खेल ये कौन सा देश आयोजित करेगा? ओलिव रिडली टर्टल, इसका दूसरा नाम क्या है, ओलिव रिडली टर्टल? उसके बाद कौन सा अधातु है, गैर धातु, नॉन मेटल, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लिक्विड? तो ये हैं आपके सवाल, अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूं और फिर हम आज के करंट अफेयर करेंगे। जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, कंप्यूटर में जो उत्कृष्टता हासिल करता है उसे दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। रश्त गोफ्तार न्यूज़पेपर दादा भाई नारोजी ने शुरू किया था पारसीज के लिए, जो पारसी धर्म है उसमें आंतरिक सुधार के लिए। ब्रिटेन ने सिक्का जारी किया है स्टीफन हॉकिंस के नाम पर, स्टीफन हॉकिंग। मारायूर एक प्रकार का गुड़ है जो केरल में खाया जाता है, इसे भौगोलिक संकेतक मिला है। वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को हर साल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में ये चारों कथन सत्य हैं, यह दो चरण में चलने वाली मिसाइल है, पहले इसमें ठोस का इस्तेमाल होता है, ठोस ईंधन, और बाद में तरल ईंधन का इस्तेमाल होता है, और ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई थी। इसको याद रखने का तरीका है, अगर आप ब्रह्मोस को तोड़ दें बीच में से तो ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मपुत्र नदी और मोस मतलब होता है मोस्कवा नदी जो रूस में है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा था क्योंकि भारत और रूस के आपसी सहयोग से बनी थी। मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण के लिए, इसमें 8 डिजीज हैं जो कवर किए जाएंगे, 8 रोगों के खिलाफ टीकाकरण किया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता जीती इस बार भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवेज ने। वुड्स डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है।
उसके बाद समुद्र मैत्री है इंडोनेशिया के लिए, इंडोनेशिया में सुनामी आया था, भारत ने मदद की। थमसिन नदी है इजिप्ट में, जिसको मिस्र बोलते हैं हिंदी में। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने, हिंद स्वराज। लॉर्ड कर्जन का सती प्रथा से कोई लेना देना नहीं है, सती प्रथा पे रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन रॉय के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। बंदारू दत्तात्रेय हैं हिमाचल के, तमिलिसाई सुंदर राजन हैं तेलंगाना की, आरिफ मोहम्मद खान हैं केरल के। इनमें से समरूपी अंग नहीं है मंकी का हाथ, ठीक है, क्योंकि पंख तो किसी भी जानवर का होता है, वो उड़ने के काम ही आता है चाहे दिखे कैसा भी, इसलिए वो समरूपी अंग है। उसके बाद ओलंपिक जो खेल है वो जापान में होंगे, राजधानी टोक्यो में। ओलिव रिडली टर्टल जो होता है कछुआ, ओलिव रिडली कछुआ, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिडली सी टर्टल भी, और ये ओडिशा में मिलता है दो जगह, एक तो है ऋषिकुल्या बीच और दूसरी जो बीच है उसको बोलते हैं गहिरमठ बीच, जो कि गहिरमठ वन्य विहार भी है, ठीक है। चलो ये कमेंट्स में लिख के बताओ, भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा गोल्डन बीच, भारत के किस राज्य में आपको मिलेगा गोल्डन बीच, देखते हैं कौन बताता है। जो अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है वो है ब्रोमीन। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस जो होता है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, 25 दिसंबर आंसर है। और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया, और एक सुरंग है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कौन सी सुरंग की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से दो दिन पहले एक और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, और एक दिन पहले 22 तारीख को होता है गणित दिवस, जो रामानुजम का जन्मदिन होता है। तेलंगाना के किस जिले ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ का 2019 पुरस्कार जीता है। इस जिले ने स्वच्छ भारत को लागू किया सबसे अच्छे तरीके से पूरे भारत में, यह है कामारेड्डी जिला, तेलंगाना का कामारेड्डी जिला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना में आपको मिलेगी किन्नर सानी वन्य विहार, और दो वन्य विहार इनका नाम याद रखना बहुत आसान है, एक तो है प्राणहिता वन्य विहार और एक है मंजीरा वन्य विहार। और नाम याद रखना आसान क्यों है, क्योंकि प्राणहिता और मंजीरा ये दोनों नदियों के नाम है, और ये गोदावरी की दोनों सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां हैं प्राणहिता और मंजीरा, और गोदावरी नदी निकलती है नासिक से, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है यहाँ। किन्नर सानी वन्य विहार, प्राणहिता वन्य विहार, मंजीरा वन्य विहार। एक और आता है एग्जाम में काफी, ऐतुर नगरम वन्य विहार। अगर आपको ये याद है तो बस काफी है, चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है। हाँ, नेशनल पार्क तीनों पता होने चाहिए। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। फिर महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तेलंगाना में है, और मृगावनी ये भी तेलंगाना में है। उसके बाद राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदर्य राजन, और तेलंगाना के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूँ। 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का साल डिक्लेयर किया तेलंगाना ने, रायतु मित्र नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, और किसानों के लिए एक स्कीम भी चलती है यहाँ पे जिसका नाम है रायतु बंधु। तेलंगाना का पहला फूड पार्क खुला है निजामाबाद में। एक बात और याद रखिए, एक रायतु भरोसा स्कीम है वो आंध्र प्रदेश की है, और रायतु बंधु और रायतु मित्र दोनों तेलंगाना की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, इसका इक्वेटर प्राइज मिला है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को, जो तेलंगाना का एक गैर सरकारी संगठन है। ये मेदक में है, मेदक तेलंगाना का एक जिला है। तेलंगाना की सरकार ने डीट एप्लीकेशन को लॉन्च किया युवाओं को रोजगार देने के लिए, और IIIT हैदराबाद ने इंडियन ब्रेन एटलस को लॉन्च किया, IIIT हैदराबाद। इसके अलावा हैदराबाद से रिलेटेड तीन चीजें और हैं। हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का अवार्ड मिला। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र खुला है यूनानी चिकित्सा का चर्म रोगों के लिए, और भारतीय रेलवेज ने वित्तीय प्रबंधन संस्थान बनाया है हैदराबाद में। एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, इसके नए अध्यक्ष बने हैं निरंजन हीरा नंदानी। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए सुशासन सूचकांक में नंबर वन स्थान हासिल किया है? ये हमारी भारत सरकार का ही है, और भारत का सबसे अच्छा शासन है तमिलनाडु में,
बड़े राज्यों में तमिलनाडु में सबसे अच्छा शासन है और बड़े राज्यों में सबसे खराब शासन है झारखंड में। तो आपको मैं सारी वो दिखा देता हूँ। बड़े राज्यों में नंबर वन है तमिलनाडु और सबसे खराब शासन है झारखंड में। खैर अब झारखंड की सरकार चेंज हो गई है और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है। और आपको बता दूं, झारखंड की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका चुनाव चिन्ह है धनुष और तीर, धनुष और तीर, और यही धनुष और तीर चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, एकदम सेम, बस रंग का फर्क है। इनका भगवा रंग है और इनका हरा, शायद हरा रंग है। धनुष और तीर झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी है और शिवसेना का भी है। और अगर आप धनुष निकाल दें सिर्फ तीर, तो तीर किसका है? जेडीयू का, जेडीयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी है, तो इनकी पार्टी का है तीर। चुनाव चिन्ह भी आप याद रख सकते हैं, मेन मेन पार्टियों के तो कम से कम पता होने चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी का एक बार आया था एग्जाम में, इनका है झाड़ू, झाड़ू। सपा का है साइकिल, और साइकिल और कौन सी पार्टी का है? तेलुगु देशम पार्टी, जो पहले आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी थी, रामविलास कह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू, रामविलास पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। आप क्या बता सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का लोगो क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर मैं बात करूं पहाड़ी राज्यों की या उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो नंबर वन है हिमाचल, यानी हिमाचल में शासन सबसे अच्छा है और सबसे खराब है अरुणाचल में। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, अरुणाचल के पेमा खंडू। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे अच्छा शासन है पुडुचेरी में और सबसे खराब है लक्षद्वीप में। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में टेनिस से संन्यास लेने का फैसला किया? ये है लिएंडर पेस। याद रखिए, लिएंडर पेस ने 1996 में जो अटलांटा ओलंपिक्स हुए थे अमेरिका में, उसमें कांस्य पदक जीता था टेनिस में। और यह बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि 44 साल के बाद भारत ने पदक जीता था, इंडिविजुअल मेडल जीता था एक किसी भी व्यक्ति ने। इससे पहले 1952 में जीता था केडी जाधव ने, जो भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल था, और उसके बाद लिएंडर पेस ने। तो यह भी आपको याद रखना है, लिएंडर पेस संन्यास ले लेंगे अगले साल। किस देश के वर्नॉन फिलेंडर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वर्नॉन फिलेंडर जो हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अब ये संन्यास ले लिया इन्होंने, वर्नॉन फिलेंडर ने। दक्षिण अफ्रीका टीम के नए कोच बने हैं मार्क बाउचर। मार्टिन पीटर्स का निधन हो गया, ये प्रसिद्ध कौन थे? ये इंग्लैंड के फुटबॉल खिलाड़ी थे और इंग्लैंड ने 1966 में विश्व कप जीता था फुटबॉल का, उसकी टीम में थे ये। इनफैक्ट जो फाइनल हुआ था उसमें इन्होंने गोल भी मारा था। तो आंसर है फुटबॉल खिलाड़ी। भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किस शहर में किया गया? यह अनावरण किया धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे तेल और गैस के मंत्री हैं। तो सीएनजी बस का अनावरण किया गया नई दिल्ली में, और सीएनजी टर्मिनल बन रहा है गुजरात के भावनगर में। गंगा प्रसाद विमल का निधन हो गया, यह प्रसिद्ध कौन थे? गंगा प्रसाद विमल हिंदी साहित्य के लेखक थे, हिंदी साहित्य के बहुत जाने माने लेखक थे। और आपको बता दूं, एक लेखक और याद रखिए, नसीरा शर्मा। नसीरा शर्मा को मिला है व्यास सम्मान 2019 के लिए अपनी किताब कागज की नाव के लिए, कागज की नाव। किस राज्य ने नर पशु डायरेक्टरी बनाई है, सायर डायरेक्टरी नाम से बैलों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करा है? अगर आप अपनी गाय के लिए सुयोग्य बैल चाहते हैं प्रजनन के लिए, तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे सारे बैल जो हैं उनका डेटाबेस बनाया गया है। ऐसा करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिससे जो गाय है उसके लिए एक सुयोग्य बैल लोग खरीद सकें, मध्य प्रदेश की सरकार ने। चौखंडी स्तूप ये कहाँ पे है? अभी अभी न्यूज़ में था, और न्यूज़ में क्यों था? दो कारणों से। एक तो यहाँ चीनी भाषा में जगह जगह साइन लगाए गए हैं मैंडरिन भाषा में, और दूसरा इसलिए इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक डिक्लेयर किया गया। ये है सारनाथ में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये कौन कौन सी इमारतें हैं जहाँ पर यह किया गया है, चीनी भाषा में साइन लगाए गए हैं? क्या सिर्फ चौखंडी स्तूप अकेला है? नहीं, इसमें और भी हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? कुशीनगर में लगाए गए हैं, चौखंडी स्तूप में लगाए गए हैं, और महापरिनिर्वाण मंदिर में लगाए गए हैं, पिपारवाह में लगाए गए हैं, और पिपरहवा में, और श्रावस्ती में। ये पांच जगह हैं जहां पे चीनी भाषा में भी साइन लगाए गए हैं, क्योंकि चीन में बुद्धिज्म काफी ज्यादा है, तो चीनी जो पर्यटक हैं उनको भी इससे फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश किन किन कारणों से न्यूज में था मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है स्वान, इसको एयरटेल कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। अटल बिहारी वाजपेयी रेजिडेंशियल स्कूल स्टार्ट किए हैं यूपी ने, ये इनमें कौन पढ़ेगा? इनमें मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे, चिल्ड्रन ऑफ लेबरर। यूपी पुलिस ने दो चीजें करी हैं, एक तो मोबाइल ऐप लॉन्च कराया सी प्लान,
ये कम्युनिटी पुलिसिंग में मदद करेगा। और दूसरा, सवेरा योजना शुरू करी है जिससे जो बूढ़े लोग हैं उन्हें सेवाएं उनके द्वार पर दी जा सकें। राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी बनाए ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना स्टार्ट की है जिसमें 15,000 रुपये दिए जाते हैं बेटी के जन्म लेने पर। मुंडेरवा चीनी की मिल का उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने। ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यूपी ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बना है गाजियाबाद में और चर्म रोगों के लिए बना है हैदराबाद में, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2G इथेनॉल प्लांट जो है ये गोरखपुर में बना है। इटावा में लायन सफारी स्टार्ट हो गई है और पंजाब के लुधियाना में टाइगर सफारी स्टार्ट हुई है अभी। गिद्धों के लिए संरक्षण केंद्र बना है महाराजगंज में। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम पलट के हो गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। और उत्तर प्रदेश को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार क्योंकि दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए यूपी ने सबसे अच्छा काम किया है। तो ये यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएं पिछले 5 महीनों के। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की योजना 2022 तक कितने गीगावाट सौर बिजली क्षमता जोड़ने की है। पूरे भारत की जो हमारा टारगेट है वो है 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, इसमें से सौर ऊर्जा होगी 100 गीगावाट और इस 100 गीगावाट में से 10 गीगावाट बनाएगी एनटीपीसी। तो आंसर है 10 गीगावाट 2022 तक। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो किन्नर समुदाय है उसके लिए विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? यह खोला जाएगा कुशीनगर में, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। और कुशीनगर वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। हाल ही में किस देश ने भारत से पोलियो की दवाइयां खरीदने का निर्णय लिया है? इस देश में पोलियो की दवाइयां महंगी है, अगर भारत से खरीदेगा तो दाम 15% कम हो जाएंगे, ऐसा इस देश का मानना है। यह है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भारत से पोलियो के लिए दवाइयां खरीदेगा। शहीद उद्धम सिंह इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 26 दिसंबर को इनकी जयंती होती है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। क्यों है इंपॉर्टेंट? जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर थे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, तो इन्होंने जनरल डायर का वध किया था, वो भी इंग्लैंड जाकर। तो शहीद उद्धम सिंह जो है बहुत महान क्रांतिकारी थे और ये इनकी 120वीं जयंती थी, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका जन्म हुआ था पंजाब के संगरूर में और जनरल डायर की हत्या की थी इन्होंने, और ये इंग्लैंड गए थे, वहां जाके इन्होंने जनरल डायर की हत्या की थी। एक बात और याद रखिए, इन्हें फांसी हो गई थी, इन्हें फांसी दे दी थी इंग्लैंड ने उसके बाद, और ये भी आपको याद रखना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत में इंटेलिजेंस गैदर करता है आईबी, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका स्थापना दिवस था 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर 1887 को बना था इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आप देख सकते हैं लगभग कितना पुराना है ये, 1887 से 1987 और तब से अब 32 साल और, तो 132 साल पुराना संगठन है ये आईबी, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार। एक और है रॉ के चेयरमैन है समंत गोयल। निम्नलिखित में से किसने स्कूलों में समान और बेहतर शिक्षण माहौल की कवायद जारी करते हुए विद्यादान दो प्रोग्राम शुरू कराए? विद्यादान दो प्रोग्राम शुरू कराए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, सीबीएसई ने। इन्होंने शिक्षावाणी ऐप भी लॉन्च की थी इससे पहले, शिक्षावाणी। श्रीदेवी के ऊपर एक किताब लिखी है द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सत्यार्थ नायक ने, सत्यार्थ नायक, श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है? किसे? इस दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी है, नहीं ग्रेटा थनबर्ग नहीं है, मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, ग्रेटा थनबर्ग है स्वीडन की। ग्रेटा थनबर्ग की किताब है जिसका नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि वो दुनिया के लिए कुछ करना पाए। किस राज्य ने परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ा के 60 कर दी है, यानी रिटायरमेंट एज पहले 58 थी अब कर दी है 60, ये करी है तेलंगाना की सरकार ने। मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। सो ये था 27 दिसंबर का वीडियो, मिलते हैं फिर 28 तारीख के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।